पंपी जी, उसको पता है आप इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं है, हम भी खुश नहीं है, पर क्या करें, घर का फंक्शन है तो अटेंड तो करना पड़ेगा ना। ये तो चार लोग चार बातें बनाएंगे। हाँ दादी, मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। पता है, मैं तो मन ही मन गॉड जी से प्रार्थना कर रही हूँ कि प्रज्ञा ना वापस इस घर में आ जाए और इस घर की बहू बन जाए, पर मेरी ना एक बात समझ नहीं आ रही कि वो दिखाई क्यों नहीं दे रही, अब तक आई क्यों नहीं। पार्टी में और कोई नहीं मिला जो तुम दोनों यहाँ टाइम पास करने के लिए आ गई हो? टाइम पास करने नहीं आए, मैं तो सच्ची दिल से बोल रही हूँ कि प्रज्ञा वापस इस घर की बहू बन जाए। पता है, अगर वो यहाँ पर होती ना अभी, तो ये संगीत को रोकने की कोशिश जरूर करती। पीजी, मुझे तो लगता है वो जरूर आएगी, किसी फिल्मी हीरो की तरह ना, बस ऐसे अंदर आएगी और कहेगी ये संगीत नहीं हो सकता, रोक दो ये संगीत, रोक दो। वो नहीं आएगी। और वो क्यों आएगी? अभी के लिए, अभी ने खुद इस फंक्शन के लिए हाँ कही है। अच्छा हुआ वो नहीं आई, आएगी तो टूट जाएगी। इंसान ना जब किसी के लिए जंग लड़ता है तो उससे उम्मीद करता है कि वो उसके साथ खड़ा होगा, और अभी अभी तो तनु के साथ खड़ा है। जो भी हो, अगर इस प्रज्ञा की जगह मैं होती ना, तो इस तनु के नकली बाल निकाल के असली बालों को घसीटते हुए घर से बाहर ले जाती, फिर चाहे अभी कुछ भी बोलता हूँ। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। भगवान, ये दरवाजा तो बंद है, बस एक बार ये दरवाजा खुल जाए। कहाँ गायब होगी, ढूंढ उसको। भाई, भाई, वो रही। ए, इधर से, इधर से। अरे, वो रही, वो भाग रही। किधर भाग रहे तुम लोग? किधर भाग रहे? मछली हाथ से फिसल गई। मछली हाथ से? मेरा मतलब लड़की भाग गई। लड़की कहाँ भाग गई? भाई इस तरफ गई। हाँ, तुमसे एक लड़की नहीं संभाली जाती। कहाँ है भाई? आवाज तो यहीं से आई थी। बोल मत, ढूंढ। भाई ढूंढ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हाथ में आई थी, सब बिगाड़ दिया तुम लोगों ने। भाई आप टेंशन मत लो, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। ऐसा करो, उसको अलग अलग जगह पर ढूंढो। तू देखो उधर। क्या करूं, कैसे निकलूं यहाँ से? बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हैं, और किसी तरह भाग भी गई तो ये लोग मुझे पकड़ लेंगे, पर भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। कितनी अच्छी लग रही है ना अभी और तनु की जोड़ी। इन्हों ऐसी जोड़ियां ना भगवान 100 साल में एक बार बनाता है। आज पता चला भगवान भी कभी कभी गलती कर ही देता है। दीदी, अगर इंसान अपनी गलती सुधार सकता है तो भगवान क्यों नहीं? आपकी बात का मतलब नहीं समझी मैं। आपको समझने की जरूरत नहीं है, आप जाइए और अपनी बेटी की नजर उतारिए। क्या क्या चाहिए? अरे आंटी, आप यहाँ क्या करें? आइए मैं आपको किसी स्पेशल बंदे से मिला दी। या एक्सक्यूज अस, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। हेलो आंटी जी। हेलो, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? अब क्या बताऊँ, आप मुझे नहीं जानती हैं, लेकिन एक नाती जो पैदा होने वाला था, मैं उसका मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ बाकी सबको जानता हूँ। निखिल, निखिल सूद। इसे मजाक करने की बहुत आदत है आंटी, तुम्हें बाकी लोगों से मिलवाती हूँ जरा। ठीक है आंटी जी, आप कैरी ऑन एंड हम चलते। हेलो दी, आई एम सो सॉरी, मैंने सुबह से आपको फोन नहीं किया, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि पूरा मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। क्या हुआ दी, आप इतना घबराई हुई क्यों? कुछ गुंडे मुझे जबरदस्ती उठाकर पता नहीं कहाँ लेकर आ गए। क्या, कौन है वो लोग? मुझे नहीं पता, पूरा मुझे नहीं पता दी। लेकिन वो आपको कहाँ ले गए, कुछ देखा आपने? मुझे मास्क जैसा कुछ पहना के इधर लाए थे, लेकिन मैंने उनकी बातें सुनी। कहीं जोगेश्वरी में कोई फैक्ट्री है? जोगेश्वरी तो मेरे घर के बहुत नजदीक है। लेकिन जोगेश्वरी में तो काफी सारी फैक्ट्रीज हैं।
वो आपको कौन से फैक्ट्री में ले गए? समझ में नहीं आ रहा पूरा, लेकिन मैंने मैंने यहाँ ट्रेन की आवाज सुनी, और कुछ लकड़ी काटने की आवाज आ रही कंटिन्यूसली। मतलब ये कि जगह जोगेश्वरी स्टेशन के पास है और वहीं पास में कोई लकड़ी काटने की फैक्ट्री भी है। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन लेकिन आप घबराओ मत, मैं ढूंढ लूंगा। आप बस वहाँ किसी तरह छुपे रहो, मैं बस जल्दी पहुँचता हूँ। जल्दी मैं बस कुछ ही मिनटों में पहुँच जाऊंगा। आप बस अपने मोबाइल से वहाँ की लोकेशन ट्रैक करके मुझे सेंड करो, मैं बस अभी आता हूँ। ये दी किस मुसीबत में फंस गए? क्या कर रहा हूँ मैं अपने साथ? डांस तनु के साथ कर रहा हूँ और वेट निकिता का कर रहा हूँ। जब मुझे तनु से ही शादी करनी है तो मुझे इससे ज्यादा निकिता की फिक्र क्यों हो रही? I'm sorry, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? I'm sorry, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? क्यों ज्यादा दर्द नहीं हो रहा? तुम्हें पता भी कितना दर्द हो रहा है? तो तनु, मैंने जानबूझकर थोड़ी ना किया, गलती से। तनु क्या हुआ, ये चोट कैसे लगी तुझे? हाँ कुछ नहीं मम्मा, वो बस अभी का पाँव पाँव पे। गॉड जी, बाप रे बाप। तनु तुम्हारी सैंडल तो ठीक है ना? पेरिस से मंगाई थी, कहीं टूट तो नहीं गई? बहुत खर्चा हो जाएगा फिर। ओह माय गॉड, प्लीज कोई हेल्प करिए, कोई आइस पैक लेकर आइए, तनु को पेन हो रहा है। आंटी जी, आइस पैक में तो टाइम लग जाएगा ना? एक मिनट। हाँ रॉबिन, अभी मैं तुमसे कह ये कोल्ड ड्रिंक है, ये भी ठंडा ही है, तुम्हारे पैरों पर डाल दूं, कुछ तो अच्छा लगेगा। इनफ, मेरे पाँव पे सिर्फ पाँव रखा है, कोई गोली नहीं लगी मुझे, मैं अपनी टेक केयर कर सकती हूँ। तुम चलो मेरे साथ। प्रज्ञा आ जाती तो थोड़ी उम्मीद बन जाती, पूर्व तो आ जाना चाहिए था, अभी तक आया ही नहीं। हाय रब्बा, कितनी अकेली पड़ गई हूँ मैं, करूँ तो क्या करूँ। दीदी, मैं कब से आपको नीचे ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ खड़े हो, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? अभी तक तो ठीक है, अगर कुछ देर और अभी को तनु के साथ देख लूंगी ना तो हार्ट अटैक तो आ ही जाएगा। ए, दीदी, नीचे जो मजेदार चीज हुई है ना, उसे अगर आप देख लेती ना तो आपका दिल तो खुशी से बाग बाग हो जाता। क्या हुआ, तनु को मिर्गी आ गई क्या? नहीं तनु को मिर्गी नहीं आई, तनु कटी हुई मुर्गी की तरह फड़फड़ा रही थी। अरे हुआ क्या पता है आपको दीदी, वो अचानक ना अभी का पैर डांस करते हुए तनु के पैर पे गिर गया। बस फिर क्या था, जो उसे चोट लगी और वो जो चिल्लाई और चीखी है ना, उसे देख के तो ना जो मेरे मन को शांति मिली है और जो मुझे सुकून आया, मैं बता नहीं सकती आपको दीदी। फिर क्या, एजुजुएल उसकी मम्मी, हाय मेरी बेटी को क्या हुआ, बर्फ लाओ, डॉक्टर को बुलाओ, दवाई लाओ। उसका ये नाटक देख के तनु और फड़फड़ा गई, चुप हो जाइए, चोट लगी है, कोई गोली नहीं लगी है मुझे। क्या हुआ, वो अभी को लेके एक तरफ चले गए। कहाँ चली गई, मतलब नीचे नहीं अब? नहीं। जरूर अभी के साथ लड़ने गई होगी, तू जरा मेरे साथ चल, अभी को अगर उसने कुछ बोला तो मैं भी उसके संगीत का बैंड बजा दूंगी, मिलकर बजाएंगे। चलिए आइए, चल। सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी सजा। वाह भाई, आप तो गब्बर की तरह। भाई गरजता नहीं, बरसता भी है, ले चलो इसे। छोड़ो मुझे, जाने दो, कोई है, प्लीज बचाओ, कोई है। अब भाग, भागो। कोई है, प्लीज हेल्प। बोला था प्यार से कॉपरेट करेगी तो दोनों के लिए अच्छा होगा, और तेरे को ये भाषा समझ में नहीं आती ना? पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।